मोहल्ले देहरादून में परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अन्य राज्यों में फंसे उत्तराखंड प्रवासियों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड आने के लिए अब तक 2,30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 1,11,713 लोगों को अब तक उत्तराखंड लाया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड से बाहर जाने के लिए अब तक 25,337 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और अधिकांश लोगों को उनके गंतव्य तक भेजा जा चुका है। के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, आज तक हमारे जो रजिस्ट्रेशन जो कुल हुए हैं, जो लोग व्यक्ति आना चाहते हैं, लगभग 2,30,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसमें से विभिन्न प्रदेशों से लगभग 1,11,713 लोग हमारे प्रदेश में आ चुके हैं, जिसमें दिल्ली से करीब 37,000 लोग, हरियाणा से करीब 18,685 लोग, उत्तर प्रदेश से 17,718 लोग, चंडीगढ़ से 8,703, गुजरात से 6,732, पंजाब से 6,345, राजस्थान से 6,217, महाराष्ट्र से 4,359, कर्नाटका से 2,524 और बाकी अन्य राज्यों से लगभग 3,416 लोग हमारे प्रदेश में लौट करके आ चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रदेश से जो लोग बाहर जाना चाहते हैं प्रवासी, वो रजिस्ट्रेशन करीब 25,337 के आसपास है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और जिलों में थानों के माध्यम से अपनी सूचना दी है। तो उसमें से उत्तर प्रदेश में लगभग 12,197 लोग जा चुके हैं, बिहार के 2,871 लोग जा चुके हैं, जम्मू के 2,699 लोग जा चुके हैं, राजस्थान के 1,716 लोग जा चुके हैं, दिल्ली के 1,670, पश्चिम बंगाल के 1,326, हरियाणा के 597, पंजाब के 380 और अन्य राज्यों के लगभग 1,881 लोग विभिन्न प्रदेशों में जा चुके हैं।